क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर बोला साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए, मुझे सबसे पहले तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट देखना है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड। मुझे मालूम है ऑल साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अब पहले मेथड से करते हैं। पहला मेथड है कि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैंने एंगल x बना दिया। अब 3 जो है ये होता है परपेंडिकुलर, 5 जो है ये होता है हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स दिस परपेंडिकुलर इज 3, दिस हाइपोटेन्यूज इज 5। मुझे इस बेस को निकालना है। वी नो दैट b इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ पे प्लस और माइनस लगता है, क्यों? उसका रीज़न बता देते हैं। देख लीजिए, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बी स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम बी इज़ इक्वल टू लिख लेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बात लिख ली। हमें मालूम है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस और माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, h की जगह 5 लिख लूँगा, b की जगह 3 लिख लूँगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, 5 प्लस 3 इज 8 एंड 5 माइनस 3 विल बी 2, तो हम 8 इंटू 2 लिख लेंगे, दैट इज 16, और 16 का रूट हो जाएगा 4। ठीक है ना, एक बार मैं दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मैं इसका स्क्वायर निकालूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, रूट निकालूँ, लंबा होता है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। ये हमें 4 मिल गया b। अब मैं इस ट्राइंगल में यहाँ पे 4 लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है। अब b मुझे प्लस 4 लिखना है कि माइनस 4 लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, प्लस है कि माइनस है उसको हम अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। मुझे देखिए क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, दैट विल बी, बी कितना है 4 और एच है हमारे पास 5। बट सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस होता है नेगेटिव, दैट मीन्स मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना है। ये हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये मुझे ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, दैट मीन्स ये जो 4 है इट हैज़ टू बी नेगेटिव। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन लगा लिया। तो कॉस मुझे मिल गया -4/5। ऐसे ही मैं अब सेक निकालूंगा, एच ओवर बी एंड दैट विल बी -5/4। देन मैं कोसेक निकाल लूँगा, दैट विल बी एच अपॉन पी एंड दैट इज 5/3। फिर मुझे टैन निकालना है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट विल बी 3/4 विद अ नेगेटिव साइन। कॉट निकालना है एंड दैट विल बी बी ओवर पी एंड दैट इज -4/3। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड से अगर हम इसे करना चाहते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल को नहीं बनाना चाहता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो मुझे साइन है तो मैं उसका रेसिप्रोकल निकाल लेता हूँ, दैट विल बी कोसेक इज नथिंग बट 1/sin x। आंसर हमारा सेम ही आएगा, बट प्रोसीजर चेंज हो गया। हमने डायरेक्टली कोसेक निकाल लिया 5/3, अब मुझे साइन और कोसेक मिल गया। अब मुझे क्या करना है, कॉस निकालना है। तो मुझे मालूम है कॉस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 1 होता है। इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस नाउ साइन। साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ये प्रोसीजर नंबर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5² - 3² विच विल बी 4²
ये मुझे मिल जाएगा 4/5 विद अ प्लस माइनस साइन। कॉस मुझे प्लस माइनस 4 या 5 मिलेगा, बट क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और मुझे मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो मैं इस प्लस 4 को हटा दूंगा, इट विल बी माइनस 4/5। तो मुझे कॉस मिल गया माइनस 4/5। अब मैं क्या करूँगा, कॉस मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल सेक मिल जाएगा, सेक होता है 1/cos, दैट विल बी 1/-4/5 जो कि हमने यहाँ पे निकाला, एंड दैट इज़ -5/4। फिर कोसेक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉट निकालना है, इज नथिंग बट कॉस अपॉन साइन, कॉस है -4/5, साइन है 3/5, 5 कैंसिल, -4/3 मिल गया। टैन निकालना है इज 1/cot विच इज -3/4, एंड दैट इज़ माई आंसर। तो मेथड मैं कोई भी एम्प्लॉय कर सकता हूँ, माई आंसर विल रिमेन द सेम।